हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइथन में जो कि बेस्ड है फंक्शंस पे, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की सीरीज हम कर रहे हैं और उस सीरीज में ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है जहां पे आपको कोड लिखना होगा, राइट। सो प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम क्या है कि राइट अ फंक्शन काउंट नाउ, ब्रैकेट में प्लेसेस नाम का एक पैरामीटर हम रिसीव कर रहे हैं, दैट टेक्स द डिक्शनरी। सो ये जो प्लेसेस आप रिसीव कर रहे हो वो डिक्शनरी है। आपको डिस्प्ले करना है नेम्स ऑफ द प्लेसेस इन अपर केस लेटर्स हुज नेम्स आर लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स। तो अगर नेम की वैल्यू 5 कैरेक्टर्स से ज्यादा है सो इट हैज टू बी डिस्प्लेड इन कैपिटल लेटर्स, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग डिक्शनरी, वी हैव प्लेसेस इज इक्वल टू 1 दिल्ली, 2 लंदन, 3 पेरिस, 4 न्यूयॉर्क, 5 दोहा, राइट। अब इसका आपको कोड लिखना है, तो सिंपल है, चलिए कोड लिखते हैं पाइथन में और देखते हैं कि ये किस तरह से आपका एग्जीक्यूट होगा। सो इसका कोड हम ले लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 इन फंक्शंस। सो ये है आपका कोड। सो हमने क्या लिखा, डेफ काउंट नाउ, यही नाम वहां कोड में दिया हुआ, तो मैं वही क्वेश्चन वाला ही नाम यूज करूंगी, डिक्शनरी का नाम भी वही यूज कर रही हूँ, ये डिक्शनरी मैंने सेम वहां से कॉपी कर ली है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डिक्शनरी ट्रेवर्स करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको डिक्शनरी ट्रेवर्स करनी आती है आपको इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही इजिली इसको कोड कर सकते हो। सो इसमें डिक्शनरी जो है इट इज अ की वैल्यू पेयर, राइट। हर डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है, तो आपके पास की है, आपके पास वैल्यू है। सो जब हम लिखते हैं फॉर सीआईडी कॉमा सिटी इन प्लेसेस डॉट आइटम्स, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसेस डॉट आइटम्स लिखना, अगर आप यहाँ पे दो लिख रहे हो तो सीआईडी में क्या आ जाएगा, आईडी, सिटी में आ जाएगा दिल्ली। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा सीआईडी में आ जाएगा 2, सिटी में आ जाएगा लंदन, फिर ऐसे ही 3 पेरिस 4 न्यूयॉर्क 5 दोहा। मुझे ये चेक करना है कि जो सिटी है अगर उसमें 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो उसे प्रिंट कराना है, और अगर नहीं है तो प्रिंट नहीं कराना है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे पता चलते हैं, लेन से। सो लेन इज द फंक्शन दैट टेल्स यू वेदर देयर आर 5, मतलब हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ लेन ब्रैकेट में सिटी इज ग्रेटर देन 5। सो लेन ब्रैकेट में सिटी ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 से ज्यादा लेटर्स हैं तो आप उसको प्रिंट कराओगे, और प्रिंट होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। सो प्रिंट सिटी डॉट अपर, राइट। सो फॉर सी आई डी कॉमा सिटी इन प्लेसेस डॉट आइटम्स, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लिखती फॉर सी आई डी इन प्लेसेस तो क्या होता, वो सिर्फ कीज को ट्रेवर्स करता है। सो बाय डिफॉल्ट ट्रेवर्सल सिर्फ डिक्शनरी में कीज का होता है। आपको की और वैल्यू पेयर लेना है तो आप डॉट आइटम्स लिख के ऐसे फेच कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं लेते आप लिखते फॉर सी आई डी इन प्लेसेस तो फिर आपको प्लेसेस स्क्वायर ब्रैकेट सी आई डी करके सिटी का नाम फेच करना पड़ता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेवर्स अ डिक्शनरी जहाँ पे हमें की और वैल्यू दोनों को इस्तेमाल करना होता है। तो हमने वैल्यू के ऊपर कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन मैच होती है तो हमने उसको अपर में करके प्रिंट करा दिया। तो आपके 5 से ज्यादा लेटर्स किसमें है, लंदन में है और न्यूयॉर्क में है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, लंदन एंड न्यूयॉर्क, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन कोड फॉर दिस। आई गेस अभी इतने प्रोग्राम्स करने के बाद तो आपको फंक्शंस इजी लगने लग गया होगा, अब आपको भी लगता होगा कि मैम ये तो इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सो डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि किस किस को ये क्वेश्चन इजी लगने लग गए हैं, ठीक है। सो जरूर लिख के बताइए मुझे कमेंट में कि हाँ इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मैम अब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इजी है और हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो यूजफुल लगी है, समझ आई है तो लाइक पे जरूर क्लिक करो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं। सो डू शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू, ठीक है। बिकॉज चैनल पर आप सिर्फ 12th ही प्रिपेयर नहीं करोगे, इसके बाद अगर आप BCA, BSc, BTech in CSIT करते हो तो आपका और मेरा साथ काफी लंबा होने वाला है। सो जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है अच्छी कंपनी में, आप खुद का IT स्टार्टअप नहीं कर लेते हो, I'll be helping you throughout. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.